तालबेला में आज देखिए, एक तरफ आज नरेन पूजा को लेकर निकलते हैं मामा जी के घर से, वहीं दूसरी तरफ उनकी गाड़ी हो जाती है पंचर, जिसके बाद नरेन और पूजा को चलकर जाना पड़ता है। वैसे आपको बता दें कि पूजा है काफी परेशान और ये चीज नरेन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए तो वो तुरंत साइकिल हायर कर लेते हैं। वैसे आपको बता दें कि जब ये साइकिल पर बैठाकर पूजा को चलने लगते हैं तो इनका एक एक्सीडेंट भी हो जाता है, जहां इन्हें सच में चोट भी लग जाती है। वहीं कुछ समय बाद जब नरेन को एक मार्केट दिखाई देती है तो वो पूजा को झट से ले जाते हैं शॉपिंग कराने अपने नए घर के लिए। वैसे आपको ये भी बता दें कि ये सारी चीजें पूजा को मन ही मन बड़ी ही पसंद आ रही है। एक्चुअली आना तो मैं टैक्सी से ही चाहता था, बट फिर टैक्सी पंक्चर हो गई, बाइक बेचती थी तो मेरे पास और कोई ऑप्शन, तो मैं तो पैदल चल रहा था, बट रास्ते में ऐसी रेंट पे मुझे साइकिल दिख गई तो मैंने ले ली, तो मैं वहाँ से यहाँ तक तो मैं साइकिल पे आ गया। नाउ पूजा वाज रियली वरिड कि यार तुम मुझे क्या साइकिल पे लेके जाओगे, तो मैंने हाँ क्यों नहीं यार, कुछ अलग एक्सपीरियंस है, व्हाई नॉट। तो हम दोनों साइकिल पे जा तो रहे थे, लेकिन बातों बातों में हम इतने खो गए कि ध्यान नहीं गया, सामने से गाड़ी आ गई एंड जस्ट वी लॉस्ट बैलेंस। और हाँ थोड़ी बहुत हम लोग रोल करते करते नीचे तक गए, थोड़ी बहुत चोट वोट लग गई, बट या देन इट वॉज गुड एक्चुअली, बिकॉज नहीं बट ऐसे सारी सीक्वेंसेस कभी ना कभी चोट लग जाती है, बैन ये सारी जो निशान है यही फिर बाद में याद दिलाते हैं उन सीन्स के। तो हाँ काफ़ी, दिस वॉज वन ऑफ द मेमोरेबल सीन्स आई वुड से ऑफ द शो, काफ़ी मज़ा आया। सुबह से लेकर हम लोग यही सीक्वेंस शूट कर रहे थे, बिकॉज इट्स नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि इफ़ यू सी द रोड्स सारे आइदर स्लोप्स स्लोपिंग डाउन और या फिर चढ़ान है, एंड यहाँ पे एक तो साइकिल भी वो प्रॉपर साइकिल नहीं, वो पुराने ज़माने की वैसी थोड़ी साइकिल है, एंड ऊपर से किसी और को लेके बैठना और चढ़ते चढ़ते रोमांटिक डायलॉग्स बोलना, वो बहुत ही मतलब एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था मेरे लिए, बट इट वेंट वेल, काफ़ी मज़ा। नरेन अपने दोस्त को दुखी नहीं देख सकता तब, और एक बार पूजा ने उसे कहा था कि लड़कियों को पेड़ पौधे गुलाब फूल शॉपिंग ये सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो अभी एक दिन पहले उसने जितने भी गमले हैं फूल हैं ऋषिकेश देहरादून में सब जितने उसे मिले सब उसने भिजवा दिए, और अब आज यहाँ पे आया है तो उसने सामने शॉपिंग सेंटर दिख रहा है, तो ही इज़ लाइक यार आज शॉपिंग भी करा है, शायद मूड बदल जाए मैडम का। इम्प्रेस से ज़्यादा उसे खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि नरेन के लिए उसके दोस्त थोड़ी सी भी अपसेट हो जाए तो वो देख नहीं सकता, एंड दैट्स द रीज़न वी कोशिश कर रहा है कि वो कैसे उसे खुश कर सके। आई एम वेरी हैप्पी कि आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि कुछ अलग करने की कोशिश थी शुरुआत से ही, एंड हम लोग शुरुआत से काफ़ी थोड़े ऐसे थे कि लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, उन्हें पसंद आएगा नहीं आएगा, बट लुकिंग एट द रिस्पॉन्स और जो भी रिएक्शंस हमें मिलते रहते हैं, मेड बी ऑन सोशल मीडिया और मेड बी पर्सनली, इट्स रियली ओवरवेलमिंग। और मतलब थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग अस, एंड होप यू ऑल कीप लविंग अस, एंड वील कीप डूइंग रियली वर्किंग रियली हार्ड फॉर यू गाइज, थैंक यू। वैसे ये तो हुई सीरियल की बात, लेकिन आप भी हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब और हमारे वीडियोज को भी लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिए।